नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। विशेष देश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, जाने अन्य खास बातें। 2 मार्च 1949 का दिन इतिहास में सरोजनी नायडू की पुण्यतिथि के रूप में दर्ज है। राजनीतिक कार्यकर्ता, महिला अधिकारों की समर्थक, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू को उनकी प्रभावी वाणी और उच्चपूर्ण लेखनी के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में जन्मी सरोजनी के पिता गोरेनाथ चट्टोपाध्याय हैदराबाद के निजाम कॉलेज में प्रिंसिपल थे। सरोजनी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के अलावा लंदन के किंग्स कॉलेज और उसके बाद कैम्ब्रिज के यूरटन कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में शिरकत की और आजादी के बाद उन्हें यूनाइटेड प्रोविंसेस, आज का उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। उन्हें देश की पहली महिला राज्यपाल होने का भी गौरव हासिल है। उनकी लेखनी ने भी देश के बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया। 12 साल की उम्र में ही सरोजनी नायडू ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। उनके पिता की ख्वाहिश थी कि वह गणितज्ञ या फिर वैज्ञानिक बने, लेकिन नायडू का सपना तो कुछ कवयित्री बनने का ही था। देश दुनिया के इतिहास में 2 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। 1498 पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा और उसका बेड़ा भारत की तरफ अपनी पहली यात्रा के दौरान मोजाम्बिक द्वीप पहुंचा। 1807 अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पास किया जिससे देश में गुलामों के आयात पर रोक लगा गई। इसे दास प्रथा की समाप्ति की दिशा में यह अहम कदम माना जाता है। 1931 सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव का जन्म, जिन्हें सुधारों की शुरुआत के लिए जाना जाता है, जिनसे शीत युद्ध के खात्मे का रास्ता बना। 1969 ब्रिटेन के सुपरसोनिक विमान कॉनकॉर्ड ने पहली सफल उड़ान भरी। बताया गया कि विमान को 2080 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक उड़ाया जा सकता है। 1970 रोडेशिया के प्रधानमंत्री लियन स्मिथ ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ अपना अंतिम संपर्क समाप्त करते हुए देश को गणराज्य घोषित किया। 1991 श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक कार बम विस्फोट में देश के रक्षा उपमंत्री रंजन विजयरत्ने सहित कुल 19 लोगों की मौत। 2008 पाकिस्तान के डेरा आदम खेल में स्थानीय आतंकवादियों के खिलाफ बल के गठन पर विचार के लिए बुलाई गई कबीलों के बुजुर्गों की बैठक में बम फटने से 42 लोगों की मौत, 58 घायल।